मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो चलिए हमारे दिन की शुरुआत करने के लिए सभी अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। बच्चों, आप कल मैंने आपको पढ़ाया था वचन, है ना? क्या पढ़ाया था कल मैंने आपको? वचन। और वचन कल क्या पढ़ा था हमने? पाठ छह वचन, जिसमें हमने पढ़ा था कि वचन क्या होते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं, है ना? तो जिससे हमें एक या अनेक का जो शब्द का ज्ञान कराते हैं वो वचन कहलाते हैं, ना? और इसके दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिससे हमें एक अंक का या एक के बारे में पता चलता है वो एक वचन होता है ना? जैसे उंगली, उंगलियां। जिससे एक से अधिक का पता चलता है वो बहुवचन होता है। एक वचन ने उंगली और बहुवचन ने उंगलियां, है ना? आंख, आंखें, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो चलिए, आज कल हमने चैप्टर रीड किया था, मैंने आपको बोला था सारे एक वचन बहुवचन याद करने के लिए। उम्मीद है सभी ने कर लिए होंगे। और अब हम करने जा रहे हैं इसकी इसी पार्ट की एक्सरसाइज, है ना? पुस्तक में करेंगे, सभी अपनी पुस्तक निकालेंगे और पुस्तक का पेज नंबर 126 निकालेंगे, है ना? पेज नंबर 126, पेज नंबर 126 निकालेंगे। सबसे पहला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा का बोध कराने वाले शब्दों को, किसी वायदे को, स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वालों को, है ना? तो इसमें सही विकल्प आएगा संज्ञा का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं, ना? दाल का बहुवचन होगा दालाएं, दालें, दलिया। क्या होगा? दाल का दाले। हाँ, वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो। चलिए, आपको पुस्तक में से टिक करना है क, तो में सही उत्तर है क, संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द, है ना? इसमें सारे संज्ञा शब्द ही आते हैं। स्त्री और पुरुष जाति का जो कराता है वो लिंग होता है, ना? और किसी वायदे को, ये तो कोई अपनी बुक में है ही नहीं, तो क्या आएगा? संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द को सही का निशान लगाना है। में आएगा दाल का बहुवचन होगा दाले। दाल का बहुवचन क्या होगा? दाले, जो कि ग में है, ना? तो ग पे हम लोग क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो। स का सही उत्तर अ है। बताओ पे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो। चलिए, पुस्तक में टिक कर लीजिए आप लोग। पेज नंबर 126 पे है ये।
पेज नंबर 127 पे है ना, जिसमें हमें प्रश्न उत्तर लिखे हुए दिख रहे हैं, प्रश्न लिखे हैं और यहाँ पे पर्याप्त जगह है, यहाँ हम उत्तर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है वचन किसे कहते हैं। मैम उत्तर लिखेगी क्योंकि प्रश्न आपको भी नहीं लिखना है, इसलिए सीधे हम उत्तर लिखेंगे। पेज नंबर 127। वचन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। इधर ज्यादा जगह है, थोड़ा जल्दी देती हूँ। उत्तर वचन दो प्रकार के है।
का डिस्टेंस लेके और अच्छी सुंदर राइटिंग लिखना, ऐसे लिखना कि आपकी बुक में पर्याप्त जगह है, तो स्पष्ट अक्षर लिखना है ना, बोल के लिखना, हमेशा बोलने की आदत डालें। जितना बोलेंगे उतना याद हो जाएगा आप, इसलिए हमेशा बोल बोल कर लिखें। चलिए अब मैं आखिरी प्रश्न का उत्तर लिखती हूँ। एक वचन व बहुवचन में क्या अंतर है ना?
तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास में इसी पार्ट की आगे इसके आगे की जो बच्ची भी एक्सरसाइज है वो करेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।